अब आपके शहर इलाहाबाद में ड्रीमलैंड पार्क की तरफ से पहली बार देश विदेश के सामान व झूले के एग्जीबिशन प्रदर्शनी GGIC स्कूल मैदान पत्थर गिरजा नियर कॉफी हाउस सिविल लाइन इलाहाबाद। संगम नगरी प्रयागराज यानी ऐसा शहर जहां गंगा यमुना सरस्वती एक साथ आकर मिलती है और शायद इसलिए यहां के लोगों में भी गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिलती है। अगले साल होने वाले कुंभ के आयोजन के लिए सड़क का चौड़ीकरण होना था जिसमें ये मस्जिद बाधा बन रही थी। कहा जा रहा था कि खुद प्रशासन भी मस्जिद हटाने से डर रहा था कि कहीं सांप्रदायिक विवाद ना हो जाए। ऐसे में खुद ही वहां के मुस्लिम समुदाय के लोग आगे आए और खुद ही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़ने लगे। मस्जिद का जो हिस्सा तोड़ा गया है उसमें वजू खाना भी अहम है। मस्जिद गिराने वाले कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा से किया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का कुछ हिस्सा हमने गिराया है वो सरकारी जमीन पर बना था। सरकार कुंभ मेले के लिए सड़क चौड़ी करना चाहती है और हम इसका समर्थन करते हैं। मुस्लिम समुदाय के इस पहल की खुद इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने भी सराहना की है। NDA के सचिव जी शर्मा ने बताया कि सभी धर्मों से जुड़े लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। विशेषकर पुराने शहर में कई धार्मिक स्थल सड़कों की जद में थे जिन्हें या तो हटा लिया गया है या हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि अगले साल यानी 2019 में इलाहाबाद में कुंभ का आयोजन होना है जिसकी तैयारी में मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार ने अपनी जी जान लगा रखी है। देश दुनिया कृपया हमारी